अपना लक मुझसे शेयर नहीं करोगी? वो कैसे? हम बाहर हैं। मुझे भूख लगी, चलो कुछ खाने चलते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। तुम्हें अकेले खाने देना गलत बात होगी। तुम्हें क्या खाना है, मैं खिलाऊंगी। जापानीज फूड? जापानीज? ठंडा और कच्चा खाना, मेरा दिल वैसे ही ठंडा है। वहाँ क्रेफिश खाने चले क्या? वो गरम होगी। हाँ? उसने कहा था वो जैपनीज फूड शॉप जाएगा, तो वो अब कहाँ जा रहा है? शायद वो जैपनीज फूड नहीं खाना चाहती हो, तो प्लान बी, उनका पीछा करो। क्रेफिश को बस छीलते मत रहो, खाओ भी। तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं, तुम्हारे लिए खा रहा हूँ बस। अरे वो छोड़ो, पहले ये खाओ। ये लो, ये लो और खाओ। सारा मैं खाऊं? हेलो, आज हमारा प्रमोशन हुआ है। जब तक आप लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, आप लोग लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं। लकी ड्रॉ में? हाँ। कुछ भी, लेकिन ये नहीं। मेरा लक खराब है, मैं नहीं जीतूंगी, मुझे नहीं खेलना। क्या यार, कोशिश करके तो देखो। तुम बिना कोशिश किए नहीं जीतोगी, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो जरूर जीतोगी। यस मिस, एक बार ट्राई करिए, शायद जीत जाए। हाँ। ट्राई तो करो, मैं भी साथ चलूंगा। साथ चलोगे? चलो इस तरफ प्लीज। मैं शुरू करती हूँ। मैं नहीं देख सकती, रुक गया क्या? आप लोगों ने फर्स्ट प्राइज जीता है, कांग्रेचुलेशंस। मैं? ये रहा आपका फर्स्ट प्राइज। थैंक यू, मैं जीत गई। हाँ, मैंने कहा था ना, कोशिश करोगी तो जरूर जीतोगी, मानती हो कि नहीं? अब पूछो ना। ओके नहीं, ओके नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जैसी लड़की प्राइज जीत गई? क्यों नहीं जीत सकती बताओ? कॉन्ग्रेट्स मिस, आप इस मॉल के 1314th कस्टमर हैं। आप एक गोल्डन एग को फोड़ सकती हैं। क्या, गोल्डन एग? कोशिश करके देखो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? देखो, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे किस करना? शैतान लड़का। ये वाला। कॉन्ग्रेट्स मिस, फर्स्ट प्राइज, एक दिन के लिए कुछ भी खरीदो, सब फ्री। सब फ्री? आज आप मॉल से कुछ भी खरीद सकती हैं, सब कुछ फ्री है। सब कुछ? चलो, अब ये प्राइज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखो, हम काफी सारी चीजें हैं जो खरीद सकते हैं ना। लेकिन मुझे उन दोनों की आवाज को जानी पहचानी लग रही है। उन दोनों की? क्या तुम उन्हें जानती हो? हम लगभग पकड़े ही गए थे। जिंगजिंग को खुश करने के लिए मिस्टर को काफी मेहनती हैं। चलो कपड़े बदले, शायद अभी काम बाकी है। चलो। हमने काफी कुछ खरीद लिया। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन अब भी कुछ मिसिंग है। ओह गॉड, क्या ये कोई सपना है? देखो। क्या तुम्हें कुछ और खरीदना है? नहीं, इतना ही काफी है। मुझे डर है मैं जीत गई तो लक का कोटा खाली हो जाएगा। तो फिर तुम ही बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हाँ, मौसम अच्छा है, चलो सामान कार में रख के हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं मिस्टर गु। तो अब बताओ,
क्या घर जाके सोना नहीं तुम्हें? मैं ठीक हो गई हूँ समझे, मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ। और मुझे कुछ रियलाइज हुआ। क्या? हम हर समय बदनसीब नहीं होते। एक ऐसी इंसान जिसे बहुत कम प्राइज मिलते हैं, वो आज 2 प्राइज जीत गई। इसका मतलब हम पे हमेशा बैड लक नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता कि मैं टेस्ट में फेल हो गई, मैं और प्रैक्टिस करूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊं। अच्छी बात है, तो मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी। चलो चलो देखते हैं कार तक कौन तेज भागता है। नहीं है? चलो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं ही जीतूंगा सोचिंग जिंग। अपना वाला टेस्ट कराओ। नहीं कराऊंगा प्लीज। मेरा स्ट्रॉबेरी चीज अच्छा है। ड्रॉ में लिपस्टिक लगा दी। तुम्हें पसंद नहीं, मेरे प्राइस से हमने खरीदी। हम कैप्सूल टॉयज तुम्हें चाहिए? हाँ। चलो एक लेते हैं। टीस कोड स्कैन करिए। यार नहीं नहीं नहीं, तुम आज बहुत लकी हो। हाँ तो तुम ही खोलो। मैं सिर्फ 2 प्राइज जीती हूँ। तो फिर अपना लक मुझसे शेयर नहीं करोगी? वो कैसे? हम बाहर हैं। उन्होंने किस की? तुम्हारा गुड लक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। ये सीक्रेट फिगर है। वाह। तुम कोशिश करोगी? हाँ करो। हमारा काम हो गया, चलो। हे ग्रेट, तुमने आज पूरे दिन मेहनत की, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे अपना बॉस को सर्व करना है। सिर्फ अपने बॉस को? अब समय है मेरे गर्लफ्रेंड को सर्व करने का। गुड बॉय। आ जाओ। चलो घर चले। तुम मोटी हो गई हो। दोबारा कहना, कौन मोटी हो गई है? मजाक कर रहा था। तुम तैयार हो ना? चलो घर चले। ये धीमे। ये भी एक सीक्रेट फिगर है। एक और देखे। हम यहाँ पर रुकने वाले हैं क्या? क्या तुम अपना सारा लक आज ही इस्तेमाल करने वाली हो? ये भी एक सीक्रेट फिगर है। तुम करो जरा। अरे छोड़ो भी यार जिंग जिंग। करो। मुझे पता था वो लिपस्टिक पैकेज सब कुछ फ्री वाला, और ये वेंडिंग मशीन जो सीक्रेट फिगर से भरी है, ये सब तुमने करवाया ना? क्या बात कर रही हो, ये सब तुम्हारे लक की वजह से। और मॉल में वो दो जोकर्स आइमी और शियता थे ना? देखो तुम गुस्सा मत हो, मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें चीयर अप करना चाहता था। तुम गुस्सा नहीं हो क्या? नहीं, थैंक यू गुरांग, मुझे ये सब बहुत पसंद आया। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। किस लिए? थैंक यू मुझे मेरा ग्रैंड प्राइज देने के लिए।